जगदलपुर में बस्तर दशहरा समिति की बैठक जिला कार्यालय के प्रेरणा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में नए उपाध्यक्ष का मनोनयन किया गया, जिसमें लक्ष्मण मांझी के नाम का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे सभी मांझियों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। इस अवसर पर सांसद महेश कश्यप ने कहा, बस्तर दशहरा हमारी बहुत पुरानी परंपरा और संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने आमचो बस्तर की स्थानीय संस्कृति, रीति रिवाज, लोक परंपरा को सहज कर रखा है। हमें भी इस परंपरा संस्कृति को संरक्षित करना है, संस्कृति को आधुनिकता के प्रभाव से बचाना है और नव पीढ़ी को भी परिचित कराना है। दशहरा में सभी समाज की सहभागिता रहती है। दशहरा में अलग अलग समाज अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, यह सामाजिक एकता का प्रतीक है। बैठक में कलेक्टर विजय राम के ने बताया कि वर्ष 2023 में ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व के उपयोग की गई बजट और वर्ष 2024 बस्तर दशहरा आयोजन के लिए आवंटित बजट की जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने पुराने तहसील कार्यालय में बनाए जा रहे दशहरा पसरा की जानकारी दिया। इस दशहरा पसरा में प्रशासन द्वारा आदिवासी जनजातियों की संस्कृति एवं इतिहास के संरक्षण हेतु भवन को निर्मित की जा रही है। साथ ही संस्कृति और इतिहास के संबंध में ऑडियो विजुअल प्रस्तुति दी गई जाएगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु खुला सभागार, कैफेटेरिया और संचालन समिति हेतु प्रशासनिक भवन के रूप में उपयोग करने की बात बताई। साथ ही नकटी सिमरा में एक पेड़ बस्तर के देवी देवता का नाम लगाने की भी जानकारी दिया। कार्यक्रम के अंत में बस्तर जिला सीओ प्रकाश कुमार सर्वे ने आभार व्यक्त की। बस्तर के ऐतिहासिक दशहरा आराध्यमाई धनतेश्वरी मावली माता की कृपा से आगाज हो चुका है और आज बस्तर दशहरा समिति का बैठक यहाँ आयोजित किया गया है। और जैसे कि हमारे 700-800 वर्षों से बस्तर दशहरा निर्विवाद रूप से संचालित होते आ रहा है कि किसी प्रकार इस वर्ष नहीं होगा, लेकिन अभी हमारे जो मांझी चालकी मेंबर मेंबरी और जो सामाजिक प्रमुखों का जो भूमिका रहा है, समाजों का भूमिका रहा है, उस भूमिका को निभाते हुए वहाँ इन्वॉल्व करते हुए हमारी जो पुरानी परंपरा के अनुसार जो हमारे दशहरा का आयोजन होता आ रहा है उसी पद्धति से हम करेंगे। और अभी आज तो पहला बैठक था, आगामी समय में फिर से बैठेंगे और जो भी उसमें हमको लगता है कि उस दशहरा को अच्छा से अच्छा कैसे कर सके, क्योंकि हमारा जो दशहरा है विश्व प्रसिद्ध है, विश्व के स्तर के लोग पर्यटक लोग भी आते हैं, तो उसको हम अच्छे तरीके से विश्व के सामने देश के सामने प्रदर्शित करें, ऐसा पूरा प्रयास रहेगा। इसी उद्देश्य से आज पहला बैठक रहा। आज उपाध्यक्ष बनाया गया, किसको बनाया? जी अपने बाटपाल के मांझी लक्ष्मण मांझी को सभी मांझियों के सहमति से सर्वसहमति से उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस प्रकार से दशहरा समिति का गठन हो चुका है और दशहरा समिति का मुझे भी मनोनीत अध्यक्ष के रूप में सांसद होने के नाते मुझे भी मनोनीत किया गया है। मुझे भी माई दंतेश्वरी मावली माता का सेवा करने का मौका मिलेगा। इस प्रकार से हमारे जो संगठन है, हमारी समिति है, हमारे जिला प्रशासन निगम, यह दशहरा का आयोजन 75 दिन का जो दशहरा है पूरा करेंगे। इसमें पूरे संभाग से हमारे मांझी चढ़ाने और सभी मान्य जनप्रतिनिधि लोग उपस्थित रहे और अलग अलग तरीके की बातें और सुझाव इस बार आए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इसको इस बार का सुनवाई निकालना। बजट की अगर बात करेंगे तो लगभग हमारा मान्य लगभग 1,50,00,000 सर कोलावल मामले में कुछ जांच करें हैं, जांच के आदेश एडिशनल कलेक्टर की अध्यक्षता में जांच के लिए बोला गया था। सी बच्चों ने अपना रिपोर्ट दे दिया है, सी बच्चों के रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य विभाग सर में